लिहाजा आप अपने घरों से फारिग होकर, रास्ते से फारिग होकर, दुकानों से फारिग होकर बराई मेहरबानी जल से मिसिर कर फरमा कर सबाबेदारन हासिल करें। अब कुछ ही लम्हा में महफिल की आगाज कुरान करीम की तिलावत से शुरू होने जा रही है, लिहाजा हमारे जितने भी कमेटी के हजरात हैं, हमारे नौजवान बच्चे बुजुर्गों, आप अपने घरों से फारिग होकर बड़ी मेहरबानी महफिल में आने की कोशिश करें। हमारे नौजवान जो रास्ते पे भटक रहे हैं, लिहाजा महफिल में आने की कोशिश करें। हमारी पर्दा नसीम खवातीन, आप भी अपने घरों से फारिग होकर बड़ी मेहरबानी मजलिस में आकर सवाब दारेन हासिल करें। और हमारे बाहर से जो उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, बड़ी मेहरबानी जहाँ कहीं भी है आप महफिल में आने की जहमत गवारा करें। और हमारे शायरी इस्लाम भी तशरीफ लाए हैं चमर चीटी गार्डन से, उन बच्चों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग जहाँ भी हो महफिल में आए और अपनी नूरानी इरफानी आवाज को हमारे महफिल के दरमियान में पेश करें। लिहाजा आप तमामी हजरात बहुत जल्द महफिल में आ जाए, महफिल की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। लिहाजा आप सभी से मैं मुद्दबाना अपील करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो मेरे पर्दा नसीम खवातीन, आप भी अपने घरों से फारिग होकर बड़ी मेहरबानी हमारे बुजुर्गों से भी गुजारिश है कि आप महफिल में आकर सवाब-ए-दारेन हासिल करें। ये अजमत वालदैन कॉन्फ्रेंस है जिसने अपनी माँ से मोहब्बत करता है, लिहाजा मैं उन हजरात से गुजारिश करूंगा कि उनकी खिदमत में आने की कोशिश करें। और अभी हमारे इमाम साहब प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं, लिहाजा मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कुरान करीम की तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम को शुरू किया जाए।